से हो भाई लोग, क्राउन 3 का अपोनेंट है और मैच तो बहुत तगड़ा होगा, बहुत बढ़िया दिख रहा है ये अपोनेंट क्राउन 3। लोगों को तो बहुत ज़बरदस्त मिला है भाई को, तो देखते हैं क्या होता है। पिच लिए ग्रीन, कंडीशन है डस्क और टॉस का टाइम है, तो टॉस में देखते हैं भाई लोग किस तरह का डिसीजन लेते हैं ये भाई, बैटिंग लेते हैं या बॉलिंग लेते हैं। तो यहाँ पे टॉस जीत के बैटिंग ले लिए भाई ने, अच्छी टीम है, बैलेंस टीम दिख रही है। यहाँ पे कटर बॉलर ज़्यादा है और आज मैं भी कटर बॉलर लेके आया हूँ। तो सिराज है और सामने है ऋषभ पंत, थोड़ा सा लेट हो गया है यहाँ पे खेलने में, एक रन ले लिया है। सेकेंड बॉल पे कटिंग है स्ट्राइक पे और कटिंग ने बहुत ही अच्छा वाला हुक शॉट खेल लिया है भाई लोग। और ये थर्ड बॉल आती हुई और थर्ड बॉल पे कटिंग जाएगी पवेलियन, मगर नहीं, ये नो बॉल है। तो इसका फ़ायदा देखते किस तरह से उठाते हैं और बेहतरीन पॉइंट को कट शॉट खेल के छक्का जड़ दिया है ऋषभ पंत ने। और ये बॉल मिस होती हुई आ रही पाँचवीं बॉल, और पाँचवीं बॉल को भी खेलने में थोड़ा सा लेट कर बैठे तो दो रन मिलेंगे, तो 17 रन हो गए भाई लोग पाँच बॉलों में। और यहाँ पे आखिरी बॉल मिस, तो एक ओवर में 17 रन ठीक ठाक ओवर था कि आसिफ को लेके आया हूँ। और ये आसिफ का स्वागत करते हुए कटिंग बहुत ही बढ़िया छक्का मार दिया है। और यहाँ पे सेकेंड बॉल, और सेकेंड बॉल पे भी उसी तरह का हुक शॉट, कटिंग बहुत ही बढ़िया टाइमिंग करते हुए। और यहाँ पे बॉल मिस, बाउंसर की वार्निंग दे गए अंपायर, बाउंस ज़्यादा था। और फोर्थ बॉल मिस हो गया है यहाँ पे। पांचवी बॉल आती हुई और अपर कट खेल दिया है, बहुत ही बढ़िया टाइमिंग कर रहे कटिंग। और ये ओवर की आखिरी बॉल, इसे भी अपर कट खेलने की कोशिश, मगर जल्दी खेल बैठे और अपना विकेट दे जाएंगे कटिंग। तो दो ओवर में 35 रन, एक विकेट, अच्छा स्टार्ट है दोनों को। नागरकोटी को लेके आया हूँ और पहले ही बॉल पे पोलार्ड ने बेहतरीन पुल शॉट खेल लिया है। और यहाँ पे सेकेंड बॉल, यहाँ पे वाइड नहीं नो बॉल दिया है, ना वार्निंग ना कोच, सीधा नो बॉल। थर्ड बॉल को कवर की तरफ खेल दिया, दो रन मिलेंगे। और यहाँ पे वापस तीसरी बॉल को पुल खेल के छक्का मार दिया है पोलार्ड ने। तो अभी पोलार्ड बहुत ही बेहतरीन खेल रहे हैं भाई लोग, कटिंग जाने के बाद छक्के पे छक्के आ रहे हैं। पांचवी बॉल है ये, यहाँ पे थोड़ा सा टाइमिंग मिस हो गया तो दो रन मिलेंगे, 59 रन हो गए। लास्ट बॉल है ओवर की और इसको भी छक्का जड़ दिया तो भाई लोग 65 रन हो गए तीन ओवर में। बहुत ही धुलाई चल रही यहाँ पर बॉलर की। और शमी को लेके आया हूँ, पहला बॉल मिस करते हुए ऋषभ पंत, सेकेंड बॉल पे अपर कट खेल लिया है ऋषभ पंत ने, बहुत ही अच्छा शॉट। और यहाँ पे देखते थर्ड बॉल को पुल शॉट खेला है और ये भी जाएगा छक्के के लिए, तो बहुत ही धुलाई चल रही है। और इसी बीचों बीच में ऋषभ पंत का विकेट जाते हुए तो शमी ने सफलता दिलाई है। तो देखते हैं रनों पर ब्रेक लगता है क्या। ऑप्शन आए पोलार्ड स्ट्राइक पे, बॉल मिस करते हुए बाउंसर हुई है। और ये ओवर की आखिरी बॉल, इसको भी स्टैंड में भेज दिया है। तो भाई लोग रन तो बहुत ज़्यादा हो गए, 83 रन हो गए चार ओवर में। और यहाँ पे अश्विन आते हुए, और अश्विन पोलार्ड को स्ट्राइक पे लाना चाहते थे, आउट हो गए। यहाँ पे वॉटसन पोलार्ड को स्ट्राइक दे दिया है, देखते पोलार्ड क्या करते हैं अश्विन के साथ। और यहाँ पे दूसरी बॉल मिस करते हुए पोलार्ड, तीसरी बॉल एडवांस शॉट खेलने की कोशिश, एक ही रन मिलेगा। एज लग के पीछे की तरफ परेरा है स्ट्राइक पे, पॉइंट की तरफ कट खेला है, लेट हो गए, बाउंड्री मिलेगी यहाँ पे। और यहाँ पे फोर्थ बॉल पे जाएगा परेरा पवेलियन में, क्योंकि बॉल को जज नहीं कर पाए, LBW हो गए, तो यहाँ पे रिव्यू तो नहीं ले गए। और आखिरी बॉल देखते हैं खेलने कौन आता है, युवराज सिंह आए हैं। और ये अश्विन की आखिरी बॉल, यहाँ पे टाइमिंग ठीक से कर नहीं पाए तो दो रन मिलेंगे भाई लोग, 90 रन हो गए पाँच ओवर में, 91 का टारगेट है। और भाई के पास सब कटर बॉलर है, तो मैं पृथ्वी शॉ और डीकॉक के लेके आया हूँ। और यहाँ पे पृथ्वी शॉ का बहुत ही शानदार छक्का, पहले ही बॉल पे अच्छी शुरुआत दिलाते हुए, सेकेंड बॉल ज़्यादा स्विंग है तो लेट खेलेंगे। और यहाँ पे दो रन मिलेंगे क्योंकि दोनों भी फील्डर लेग साइड को खड़े किए हैं भाई ने। थर्ड बॉल यहाँ पे थोड़ा आगे गिर गया है, दो रन मिलेंगे, 10 रन हो गए।
और यहाँ पे फोर्थ बॉल थोड़ा बाउंस ज़्यादा था तो पृथ्वी शॉ की एक छोटी सी इनिंग खत्म। यहाँ पे 10 रन हो गए 4 बॉलर में, पृथ्वी शॉ के और वो जाएंगे पवेलियन। तो मैं नबी को लेके आया और ये वाइड बॉल है, पांचवी बॉल वाइड है तो फिर से करनी पड़ेगी। तो भाई लोग पांचवी बॉल अर्ली खेल गए हैं नबी और यहाँ पे नबी का विकेट जाते हुए तो 11 रन पे 2 विकेट हो गए। बहुत बड़ा टारगेट है 91 रन का। तो यहाँ पे वापस से लेट खेल बैठे हैं मगर 2 रन मिलेंगे। तो भाई लोग बहुत ही कम रन है, 13 रन एक ओवर में। और स्ट्राइक पे है कटिंग और बॉलिंग को है तीसरा परेरा, बहुत ही बेहतरीन शॉट खेला है कटिंग ने अपर कट। और यहाँ पे हुक शॉट लगाते हुए क्योंकि अभी रनों की ज़रूरत बहुत है तो रिस्क लेना बनता है। और यहाँ पे लगातार तीसरा छक्का जड़ते हुए कटिंग और यहाँ पे स्ट्रेट बॉल है तो पीछे की तरफ अपर कट खेल लिया है तो 4 छक्के। तो कटिंग बहुत ही बढ़िया खेलते हुए और यहाँ पे थोड़ा सा निगेटिव बॉल था तो मैंने लीव कर दिया। और ये आखिरी बॉल परफेक्ट पे एज लग के बाउंड्री जाएगी तो अच्छा खासा ओवर गया भाई लोग, 41 रन हो गए और उनाद कट को लेके आए हैं। और यहाँ पे पहली बॉल मिस करते हुए सेकंड बॉल डीकॉक यहाँ पे थोड़ा सा लेट खेल बैठे तो 2 रन मिलेंगे इस बॉल पे। और ये थर्ड बॉल देखो भाई लोग कैच होता है क्या नहीं, थोड़ा सा आगे गिरा है तो 2 रन मिलेंगे तो रन कम आए इस ओवर में बहुत। फिर से 2 रन, फिर से लेट हो गए तो एक छक्का आना जरूरी है इस ओवर में। और यहाँ पे पांचवी बॉल को छक्का जड़ दिया है डीकॉक ने तो अच्छा शॉट खेला है डीकॉक ने। और ये आखिरी बॉल देखते भाई लोग यहाँ पे विकेट जाएगा डीकॉक का तो यहाँ पे 53 पे 3 विकेट चले गए हैं, 2 ओवर बाकी है, 2 ओवर में मैच जीतना है हमें। तो अभी बैटिंग को मैं वॉटसन को लेके आया हूँ और थम्पी को पहले ही बॉल पे छक्का जड़ते हुए वॉटसन बहुत ही बेहतरीन शॉट। और यहाँ पे दूसरी बॉल स्ट्रेट और इसको भी हुक जड़ दिया है लेग साइड पे तो लगातार 2 छक्के मार दिए वॉटसन ने। और ये वाइड बॉल है, छोड़ दिया ये बॉल तो देखते तीसरी बॉल किस तरह की आती है। और ये लगातार तीसरा छक्का वॉटसन का, बहुत ही बढ़िया फॉर्म से खेल रही है वॉटसन। और यहाँ पे ये बॉल पे मेरा नेट चला गया क्योंकि मुझे कॉल आ गया था तो यहाँ पे कॉल रिसीव कर लेते हैं भाई लोग। तो रिसीव करके मैं अभी कॉल कट कर देता हूँ और करते हैं मैच की ओर। फिर से आएगी फोर्थ बॉल और यहाँ पे बाउंस ज़्यादा है तो शायद से 9 बॉल देंगे अंपायर और अंपायर ने दे दिए हैं 9 बॉल। फ्री हिट मिली है, कटिंग क्या करते हैं देखते हैं इस बॉल पे। तो 9 बॉल पे कैसे क्या फील्डिंग चेंज हो गई मुझे समझ नहीं आई। और ये बॉल मिस होते हुए हमें तो भाई 9 बॉल पे फील्डिंग चेंज करने को नहीं मिलती, क्या आप लोगों को मिलती है क्या कमेंट में बताओ। मगर ये आखिरी बॉल का फ़ायदा उठाएंगे हम और कटिंग ने जड़ दिया है छक्का तो ठीक ठाक रन हो गए 81 रन हो गए। तो भाई लोग यहाँ पे लास्ट ओवर में शरण को लेके आए हैं, वॉटसन है स्ट्राइक पे, मलिंगा के एक्शन है तो देखते हैं यहाँ पे नेगेटिव बॉल डालने की कोशिश हो रही है। वॉटसन किस तरह से खेलते हैं देखते हैं, ये तो स्टेप आउट करके सीधा खेलूंगा मैं ये शॉट और अच्छे से कनेक्ट भी हो गया है, बहुत ही लंबा छक्का सीधा क्राउड में भाई लोग। तो आखिरी अभी 6 रन बचे तो देखते भाई लोग किस तरह की बॉल आती है, फील्डिंग सेट होती है और यहाँ पे फिर से वही फील्डिंग और वॉटसन देखते ये बॉल कैसा खेलते हैं। बहुत ही बेहतरीन ऑफसाइड को कट शॉट खेला है और इसे भी भेज दिया है स्टैंड में तो भाई लोग मैच जीत लिया है मैंने। और अंपायर यहाँ पे वार्निंग दे रहा है मैच जीतने के बाद भी, तो क्या ही बोले इन अंपायर को। तो भाई लोग वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।